Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हुमाज़ी एंड आज का रिएक्शन वीडियो है तारा अंजुम के साथ में एक कोई अनुराग खालिद करके हैं उनके साथ इनका एक न्यू सॉन्ग आया है. क्यों 7 दिन पहले आया है, आया ही तारा अंजुम के साथ ही है. एंड मैंने जो ये अनुराग है इनका कोई भी सॉन्ग पहले नहीं सुना है. तो देख लेते हैं गाइस कैसा है ये वीडियो, फिर करके बाकी की सारी बातें. और वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ मेरा न्यू व्लॉग आ चुका है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. फिलहाल शुरू करते हैं इसके ऊपर रिएक्शन गाइस. सब ऑफिशियल ऑडियो ही बना रहे हैं यार, मुझे तो रिएक्शन दे रही सब फीड ऑडियो. तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं, आहट पे तेरी मैं नींद से भी उठ पड़ूं, सही है, सब कुछ भुला कर मैं यादें समेटा करूं, फिर तेरे सिरहाने मैं बारिश में भीगा करूं, मिलके भी तू ना मेरा एक सेकेंड, इसमें तो लड़की भी है बट इसका कहीं पर नाम क्यों नहीं है. भाई तला अंजुम अनुराग खालिद एंड उमेर, उमेर भी है इसमें, पता नहीं यार उमेर का तो इसमें नाम तो पूरा तला अंजुम का, उमेर ने इसमें क्या दिया है पता नहीं. मतलब मुझे पता नहीं अनुराग जो है अनुराग है लड़का या लड़की, मुझे ये भी नहीं पता, पर हाँ लड़की के पास में सुनने को मिली. एंड स्टार्टिंग बहुत ही सॉफ्ट वॉइस के साथ हुई है, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस के साथ हुक लाइन, मतलब बहुत 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 सही है. करूं, फिर तेरे सिरहाने मैं बारिश में भीगा करूं, मिलके भी तू ना मेरा है ना यकीन अभी तेरा, यादों में खोया है दिल ये रोया है तुझको ढूंढा तुझको फिर से नो बोला, तू ना जाने तेरे बिन मैं कैसे पहले ये गुजारे, I mean I'm sorry for the heartbreak, you know we never should have parted, wish we could go back to the better days, तेरे हाथ में हो हाथ then I'm feeling great, hair back सारे रास्ते, गलती ना ये मेरी ना ये तेरी है. तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, सबसे पहले तो तला अंजुम ने हुक लाइन गाया है और ये तला अंजुम की वॉइस है. आई कांट बिलीव कि तला अंजुम की ऐसी वॉइस भी है, सीरियसली मुझे तो लगता कोई और गा के बैठा है हुक लाइन. बहुत ही सॉफ्ट वॉइस है, मैंने कभी तला अंजुम को इस तरह के सॉफ्ट वोकल्स के साथ गाते हुए नहीं सुना है, मैंने हमेशा उसको हार्ड रैप करते हुए सुना है. एंड हाँ ये अनुराग जो है ये एक लड़की है, अनुराग खाली जो वर्ष था पहला वो उन्हीं का था, मैं कन्फ्यूज हो रही थी तो मैंने यहाँ पर लिरिक्स देखी तो मुझे पता चला कि वो लड़की है, मैं लड़का सोच के बैठी हुई थी क्योंकि कभी देखा ही नहीं है. एंड तला अंजुम ने मुझे सच में सरप्राइज किया है अपनी इस तरह की वॉइस के साथ. मैं सच में मेरा उम्मीद नहीं थी कि तला जो कि इतनी सुंदर इतनी सॉफ्ट वॉइस होने वाली है, मतलब बहुत सही था यार. ना ये मेरी ना ये तेरी है, तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं, आहट पे तेरी मैं नींद से भी उठ पड़ूं, सब कुछ भुला कर मैं यादें समेटा करूं, It's been a while. तुम वक्त के नहीं कायल, दिल की दीवारों को दीमक की तरह फिक्र तेरी खाए, That wasn't a goodbye, तुम फिर भी ना लौट के आए, कलम उठाई फिर मैंने और लिखी जो मैंने बिताई, तेरे से पहले भी था कुछ तेरे बाद भी हूँ, तेरे साथ था जो वो दफन कर चुका अपनी जात में हूँ, एक लाश है बस थोड़ी सी याद है बस, एक आधा किस्सा है जिसमें देते हैं तेरी मिसाल है बस, मलाल है बस तू आया नहीं क्यों, मैं तो आया था सुनने वो गीत तेरा तूने गाया नहीं क्यों, खुशी में शामिल रहो मेरी मैं गम में बुलाता नहीं हूँ, मैं माफ कर देता हूँ लेकिन मैं कभी बुलाता नहीं हूँ, खुदा ने लेके भी और दे के भी लिया इम्तिहान मेरा, मैं तो सब कह के भी ना कह के भी जाना बेजुबान रहा, सब तो लुटा आए याद ही तेरी मेरा सामान रहा, सदिया गुजारी के नहीं तेरे इंतजार में, तू ये बता तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं,
बारिश में भीगा कर। बहुत ही सुंदर रैप सॉन्ग था, बहुत। गाइस इतना अच्छा रैप सॉन्ग मैंने कैसे नहीं देखा 7 दिन पहले। अनुराग की जो वॉइस थी एकदम यू नो दिल को छू के आने वाली एक सॉफ्ट वॉइस थी, बट उससे भी ज़्यादा जो मेरे को हैरत अंगेज मतलब मेरा दिमाग को शॉक किया वो किया तला अंजुम के वो जो स्टार्टिंग में हुक लाइन है, मैं तो सोच रही थी कि नहीं किसने गाया किसने गाया, और मैं कन्फ्यूज़ हो गई। मैंने कहा ये किसी और ने गाया शायद बिकॉज प्रॉड बाय उमेर है, तो मैंने कहा उमेर ने, तो क्योंकि उमेर की वॉइस मैंने सुनी हुई है समझ ही नहीं आ रहा था, बट जब मैंने नीचे लिरिक्स पढ़े उसमें हुक लाइन किसने गाया वो लिखा हुआ था, मैं कन्फ्यूज में तला अंजुम की वॉइस, तला अंजुम की ऐसी वॉइस, सच में मैं बिल्कुल दिमाग सुनने पड़ गया तला अंजुम की ऐसी वॉइस सुन के, तो प्रॉड बाय उमेर है, अच्छा ठीक है। बहुत कन्फ्यूज हो गई थी वो शुरुआत में क्योंकि वो वॉइस ही इस तरह से निकल के आई थी, एंड जो सेकंड वर्स था वो तला अंजुम का था, वहाँ पर तो ख्याल आया था कि तला अंजुम है बिकॉज वो है हमको आदत ना वही सुनने की, बट वो तरह का वॉइस मेरे को सुनने की आदत नहीं थी। तो जो पूरा सॉन्ग है गाइस बहुत ही सॉफ्ट सॉन्ग है, बहुत अच्छा रैप सॉन्ग है। बल्कि मैं बोलूँगी कि आजकल हम लोग क्या थे बड़े बड़े बजट की मूवीज़ में सॉन्ग देखते हैं, बकवास सॉन्ग आते हैं ना, उनका कोई मीनिंग निकल के आता है ना, उसमें कोई म्यूजिक होता है ना कुछ होता है, बट हम इस तरह के सॉन्ग्स को अंडर एस्टिमेट करते, इतना अच्छा रैप सॉन्ग है, 7 दिन हो गए अभी तक 1 मिलियन पता क्रॉस नहीं किया, ऐसा गलत बात है ना। तो गाइस ये था मेरा तला अर्जुन के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन, एंड सच में यार उम्मीद से परे था, जितना नहीं सोचा था उससे अच्छा था, एंड अनुराग की वॉइस भी बहुत ही अच्छी थी। आजकल मैं जितने भी वीडियोस पे रिएक्शन दे रही सारे इस तरह के ईएमओई सॉन्ग निकल के आ रहे हैं, जितने के ऊपर रिएक्शन दिए मैंने सारे के सारे, पता नहीं आजकल क्या ट्रेंड चल गया है या क्या है, बट जो भी अच्छा है सुनने में अच्छा लगता है। तो गाइस ये था मेरा क्यू के ऊपर रिएक्शन, म्यूजिक बहुत 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 प्यारा था, उमेर ने प्रोड्यूस किया है, एंड जो पूरा होल जिस तरह से चल रहा है ना रैप सॉन्ग बहुत ही मजा आया पूरा सॉन्ग सुनने में, मैंने भूल ही गई थी तबीयत खराब है एक पल के लिए तो सॉरी। कैसा लगा गाइस आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन और कमेंट जरूर करना कि आप लोग भी चौके थे या नहीं चौके थे तला अर्जुन को इस तरह का रैप मतलब इस तरह के सॉन्ग गाते हुए। तो अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में फिर किसी और वीडियो के रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए मेरा न्यू व्लॉग देख लीजिए गाइस अगर आपको अच्छा लगता है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी और मैंने ना कमेंट में पिन किया हुआ है, अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो आप कमेंट से देख लेना मेरा जो लेटेस्ट व्लॉग है उसका लिंक। फिलहाल बाय बाय गाइस।